मेरा नाम डॉक्टर आयशा ग्यास है। मैं एक स्किन स्पेशलिस्ट हूँ, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ और पिछले 15 साल से स्किन केयर से वाबस्ता हूँ। मरहम के प्लेटफॉर्म पे एक बड़ा ही यूनिक क्वेश्चन आया जिसको आज हम आंसर करने वाले हैं। क्वेश्चन ये है कि मेरे जिस्म के ऊपर एक मौका था जिसको मैंने छीन लिया, अब वहाँ पर रैश बन गया है, तो अब इस सिलसिले में मैं क्या करूँ? तो मैं आपको ये बता दूं कि जिस्म के ऊपर निकलने वाले मुख्तलिफ मौके मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर हो सकते हैं। कुछ मौक़ों की इकसाम ऐसी हैं जो कि वायरस की वजह से होती हैं, तो अगर आप उनके साथ छेड़छाड़ करेंगे तो आप उनके फैलाव का बायस बनेंगे। कुछ मौक़ों की इकसाम ऐसी होती हैं जो कि वायरस से रिलेटेड नहीं होती और उनके छीलने से वहाँ पर तो प्रॉब्लम आ सकती है मगर वो फैल नहीं सकते। लेकिन ये आपको कैसे पता चलेगा कि मौका वायरस वाला था या नहीं था? तो ये प्योरली डॉक्टर ही डायग्नोज करेगा आपको चेकअप करने के बाद। अब चूंकि आपने उसे छील लिया है और ज़ख़म बना लिया है, तो व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि जो भी इजीली अवेलेबल मार्केट में एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट्स हैं, जैसे कि पॉलीफेक्स की ऑइंटमेंट है या म्योपियर ऑइंटमेंट है या बैक्ट्रोबैन है, इस तरह की कोई भी स्किन एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट्स आप अपनी स्किन पर लगाएंगे, लेकिन स्टीरॉयड्स नहीं लगाएंगे। स्टीरॉयड क्रीम्स से क्या होगा कि वो रैश तो आर्जी तौर पे ठीक हो जाएगा, लेकिन मौके भरने के बहुत सारे चांसेस होंगे और परमानेंट तौर पे स्किन डैमेज हो सकती है। तो आप ख़ुद से घर रहते रहते एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट्स लगा लें, लेकिन डॉक्टर के पास लाजमी जाएं ताकि वो देखें कि अगर वायरस वाला मौका है तो वो उसको परमानेंट तौर पर वहाँ से ख़त्म कर दें शुआओं के ज़रिए या सर्जरी के ज़रिए, और बाकी आपकी स्किन को प्रोटेक्ट कर लें मौक़ों के भरने से रोकने के लिए।